हे व्हाट इज अप गाइस, एक्स हियर, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम देख रहे हैं फोर बेस्ट 6GB रैम फोन्स जो आप खरीद सकते हैं अंडर 15,000 रुपीस में। तो अगर आपका कुछ स्मार्टफोन वगैरह खरीदने का प्लान है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, इफ दिस इज योर फर्स्ट टाइम हियर देन स्मैश दैट सब्सक्राइब बटन एंड लेट्स गेट राइट इनटू द वीडियो। तो आज के इस वीडियो का पहला फ़ोन है Redmi Note 5 Pro। तो ये फ़ोन में आपको मिलता है 6GB रैम, ऑब्वियसली 6 इंचेस ऑफ IPS LCD डिस्प्ले, Snapdragon 636 प्रोसेसर, 64GB इंटरनल स्टोरेज, और इसमें Android OS वर्जन जो है वो मिलेगा 7.1 Nougat आउट ऑफ द बॉक्स। और अगर आप बात करें कैमरा की तो रेयर साइड में आपको मिलेंगे डुअल कैमरास विथ 12 MP एंड 5 MP सेंसर फॉर डेप्थ कंट्रोल, और फ्रंट साइड पर मिलेगा 20 MP का सिंगल कैमरा सेल्फीज़ के लिए। और इन कैमरा से आप 1080p वीडियोस एट 30fps रिकॉर्ड कर सकते हो बोथ कैमरा से, फ्रंट और रियर दोनों कैमरा से। ना लास्टली टॉकिंग अबाउट द बैटरी, हम सबको जैसे कि पता ही है Xiaomi फ़ोन से बैटरी में यूजुअली अच्छे ही होते हैं, तो ये फ़ोन में आपको मिल रहा है 4000 mAh का नॉन रिमूवेबल बैटरी। तो अगर आप कोई ऐसा फ़ोन ढूंढ रहे हैं जो कैमरा क्वालिटी में अच्छा होगा तो मैं आपको Redmi Note 5 Pro रिकमेंड नहीं करूँगा। इस वीडियो में और भी तीन फ़ोन्स हैं जो मुझे लगता है कि Redmi Note 5 Pro से कैमरा क्वालिटी में ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन उनका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है। लेकिन अगर आप डिसेंट प्राइस रेंज में मतलब 10,000-11,000 के आसपास एक ऐसा फ़ोन ढूंढ रहे हो जो परफॉर्मेंस में अच्छा होगा तो Redmi Note 5 Pro एक ग्रेट चॉइस हो सकता है। नाउ मूविंग ऑन, एट नंबर 2 वी हैव गॉट Realme 2 Pro। तो ये जो फ़ोन है ये Redmi Note 5 Pro से स्लाइटली बेटर है मतलब थोड़े एरियाज़ में, लेकिन इसका जो प्राइस है वो भी थोड़ा हाई है Redmi Note 5 Pro से। तो ये फ़ोन में आपको मिलता है 6.3 इंचेस का IPS LCD डिस्प्ले, 6GB रैम या फिर 8GB रैम विद 64GB एंड 128GB इंटरनल स्टोरेज। माइक्रो SD कार्ड इज सपोर्टेड अप टू 256GB, और आपको इसमें जो है वो माइक्रो SD कार्ड के लिए डेडिकेटेड स्लॉट भी मिलता है जो कि बहुत ही कम स्मार्टफोन्स में देखने मिलता है। नाउ मूविंग ऑन, आपको इसमें मिलेगा Snapdragon 660 का प्रोसेसर, ऑक्टाकोर CPU, Adreno 512 GPU, और इसमें Android OS वर्जन जो है वो मिलेगा 8.0 Oreo आउट ऑफ द बॉक्स विथ कलर OS 5.2। रेयर साइड में आपको मिलेंगे डुअल कैमरास विथ 16 MP एंड 2 MP सेंसर फॉर डेप्थ कंट्रोल, फ्रंट साइड में होगा 16 MP का सिंगल कैमरा फॉर सेल्फीज, और इसमें जो है आप 2K वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो एट 30fps विद द रियर कैमरा एंड 1080p वीडियोस एट 30fps विद द फ्रंट कैमरा। ना लास्टली इसमें जो बैटरी है वो मिलेगा आपको 3500 mAh का जो कि होगा नॉन रिमूवेबल। तो अब बढ़ते हैं नंबर 3 की और, जो कि है Asus Zenfone Max Pro M1। तो ये फ़ोन आता है 5.9 इंचेस, सो लेट्स से 6 इंचेस ऑफ IPS LCD डिस्प्ले के साथ, 6GB रैम, 128GB इंटरनल स्टोरेज, माइक्रो SD कार्ड इज सपोर्टेड अप टू 512GB, दैट्स ऑसम, लेकिन 512GB लेके भाई क्या करोगे आप। और Android OS वर्जन जो है वो मिलेगा 8.1 Oreo आउट ऑफ द बॉक्स, और इसमें आपको Snapdragon 636 का प्रोसेसर मिलेगा। अब अगर बात करें कैमरा की तो रेयर साइड में आपको मिलेंगे डुअल कैमरास विद 16 MP एंड 5 MP सेंसर फॉर डेप्थ कंट्रोल, फ्रंट साइड में जो है वहाँ पे आपको मिलेगा सिंगल कैमरा 16 MP का सेल्फीज़ के लिए, और इसमें आप 2K वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो एट 30fps और 1080p वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो एट 60fps अपने रेयर कैमरा से, और 1080p वीडियोस एट 30fps रिकॉर्ड कर सकते हो अपने फ्रंट कैमरा से। नाउ फाइनली टॉकिंग अबाउट द बैटरी लाइफ, तो ये जो फ़ोन है ये स्पेशली मतलब गेमिंग फ़ोन माना जाता है, तो इसमें आपको एकदम अच्छा 5000 mAh का नॉन रिन्यूएबल बैटरी मिलता है। और अभी वो लोग जो ये सोच रहे हैं कि मैंने Max Pro M2 क्यों नहीं मेंशन किया, तो मैं आपको कुछ बता देता हूँ। M2 जो है उसका प्राइस है 13,999 और M1 जो है इसका प्राइस है 11,999। तो अगर आप देखोगे तो इन दोनों फ़ोन्स में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इनफैक्ट कैमरा क्वालिटी जो है वो M1 का बेटर है M2 से। M2 में आपको सिर्फ बड़ा डिस्प्ले मिलेगा नॉच के साथ, बस इतना ही। तो इसके लिए मैंने सोचा कि M1 को मेंशन करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब बढ़ते हैं लास्ट फ़ोन की और, जो कि है Redmi Note 6 Pro। तो ये फ़ोन आता है 6.26 इंचेस ऑफ IPS LCD डिस्प्ले के साथ, इसमें आपको मिलेगा 6GB रैम, 64GB स्टोरेज, माइक्रो SD कार्ड इज सपोर्टेड अप टू 256GB, और अगर आप इसमें माइक्रो SD कार्ड डालोगे तो आपका सिम टू स्लॉट यूज़ होगा, और इसमें Android OS वर्जन देखने मिलेगा 8.1 Oreo आउट ऑफ द बॉक्स विद MIUI 9, और इसमें आपको Snapdragon 636 का प्रोसेसर भी मिलेगा ऑक्टा कोर CPU के साथ,
और अब अगर बात करें कैमरा की तो रेयर साइड में आपको मिलेंगे डुअल कैमरास विथ 12 मेगापिक्सल एंड 5 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर, और फ्रंट साइड पे जो है वहाँ पे भी आपको मिलेंगे डुअल कैमरास विथ 20 मेगापिक्सल एंड 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर। और वीडियो रिकॉर्डिंग जो है आप 1080p वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो एट 30fps अपने दोनों फ्रंट और रेयर कैमरा से। अब लास्टली बात करें बैटरी लाइफ की तो यहाँ पे हमें मिल रहा है 4000 mAh का नॉन रिमूवेबल बैटरी विथ फास्ट चार्जिंग सपोर्ट। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। ये थे 4 बेस्ट 6GB रैम स्मार्टफोन्स मेरे हिसाब से अंडर 15,000 rupees में। आई होप यू गाइस एंजॉयड द वीडियो। अगर आपको कोई डाउट्स हैं या फिर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वेल एनीवे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई रियली अप्रिशिएट फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम फॉर दिस वीडियो। आई एम एक्स साइनिंग आउट फॉर नाउ एंड आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम।